वो आज हमारे बीच में आए तो हमने श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता दोनों के ऊपर बहुत सुंदर व्याख्यान दिया और कौन कौन चाहते हैं कि प्रभु जी जल्दी वापस आए पढ़ते से एक लेक्चर में कौन कौन चाहते हैं आप सभी चाहते हैं अरे इसका अर्थ ये है कि अब जल्दी प्रभु जी को कैलकटा से वापस आना चाहिए कल ही है ना हाँ और कल और परसों दोनों दिन शाम को कल शाम को 7:15 बजे और परसों भी शाम को 7:15 बजे प्रवचन होगा जो टेम्पल हॉल में होगा तो कल जो है एक स्पेशल प्रेजेंटेशन है हम प्रोजेक्टर के ऊपर भगवान की सृष्टि के बारे में हाँ बताने का प्रयत्न करेंगे कि नर क्या है स्वर क्या है वैकुंठ क्या है ब्रह्मज्योति क्या है और वैकुंठ के अंदर कितने अनेक नाना प्रकार के चिन्मयी लोक है जिसमें भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जिनका जो गोलोक धाम है उनके बारे में कुछ बताएंगे भगवान अपने आप का कैसे विस्तार करते हैं वो बताएंगे उसके बारे में और ये सब हम जो है प्रोजेक्टर पे हम प्रोजेक्ट करेंगे और चीज बता बता कर हम आपसे तो 7:15 बजे ठीक शुरू हो जाएगा अब ये पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप टाइम से आ जाए तो अगर बीच में आप कुछ मिस ना करें और ये 2 दिन का रहेगा क्योंकि और उसके बाद किसी का अगर कोई प्रश्न होगा तो हम उसका प्रयत्न करेंगे प्रश्नों का समाधान करने के लिए ठीक है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमने इसके ऊपर काफी प्रवचन किए थे लेकिन उसमें क्या था कि हमने प्रेजेंटेशन नहीं बनाया था प्रोजेक्ट पर तो काफी कठिन हो जाता था लोगों को थोड़ा समझने में कि भगवान के जो अलग अलग अंश है विष्णु है आदि कई लोग समझते हैं हम लोग को कि भाई कृष्ण विष्णु के अंश है विष्णु के भी कितने प्रकार है तो ये सारी चीजें हम कल जो है हम शुरू करेंगे और 2 दिन का हमारा ये प्रोग्राम रहेगा 7:15 को ये कहाँ पर मंदिर हॉल में अच्छा मंदिर हॉल में डिस्टर्ब नहीं होगा यहाँ पर रख सकते हो अच्छा ठीक है तो मंदिर के हॉल में रहेगा और समय से आइएगा और फिर अगर किसी को कुछ प्रश्न होंगे तो हम उसके भी समाधान करने का प्रयत्न करेंगे ठीक है हरे कृष्ण कृष्ण की कई गाय थी पीली धौली गंगे जमुने मृदंगमुखी ये बहुत सारी गाय थी ठीक है तो अभी जब तक प्रसाद आने वाला है 12:30 पे प्रसाद आएगा 12:20 पे तब तक हम लोग अच्छा तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैं उसका कोई समाधान करने का प्रयत्न करूंगा हाँ जी अच्छा प्रश्न है गीता और श्रीमद् भागवत या भागवत पुराण उसमें क्या अंतर है गीता जो है गीत मतलब भगवान की जो वाणी भगवान बोलते हैं इतना सुंदर बोलते हैं जैसे कि वो गीत गा रहे हैं और कुरुक्षेत्र में जो उन्होंने उपदेश दिया था वो इनकी वाणी है उनका गीत है जैसे कि गीत है हाँ तो भगवान की वाणी उस जो खास करके अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में जो मार्गदर्शन दिया था वो भगवद गीता है और भागवत श्रीमद् भागवत जिसको कहते हैं या भागवतम कहते हैं या भागवत पुराण कहते हैं भागवत पुराण कृष्ण और कृष्ण के भक्त और कृष्ण की लीला के बारे में फर्क यह है भगवत गीता कृष्ण का उपदेश है और श्रीमद् भागवतम कृष्ण और कृष्ण की लीला और कृष्ण के भक्त के बारे में है और खास करके फर्क यह है कि श्रीमद् भागवत पुराण मतलब प्रेम मर्थ महा ये पुराणों में से अमल पुराण है मन मतलब जहां पर थोड़ी भी क्या कहते हैं कसर रह जाती है जहां पर शुद्ध भक्ति नहीं है उसको थोड़ा मल कहते हैं और अमल मतलब जहां पर कोई
कोई बल नहीं है, 100% प्योर। श्रीमद् भागवत पुराण, ये पुराण है, अमल पुराण है, और वो क्या देता है? प्रेम मर्थ हो महान। हम मानव जाति को कृष्ण का सबसे ऊंचा प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो दे सकता है। भगवत गीता जो है वो कृष्ण का बायोमेटा है, ये कह सकते हैं। जैसे कि आप किसी साधारण भाषा में अगर कहो, मान लो आप अपनी बेटी का ब्याह करवाना चाहते हो कहीं, तो आज के जमाने में तो क्या है कि भाई वो लड़के के बारे में आप क्या जानते हो, किसी को पूछते हो तो उसका बायोडाटा निकाल दो, भाई उसने तो इंजीनियरिंग किया हुआ है फलानी फलानी कॉलेज से, और अभी फलानी फलानी जगह नौकरी करता है, और ये फलानी फलानी का बेटा है, फलानी फलानी का पोता है, ऐसे उसकी माइंडी निकालते हो। जब माइंडी निकलती है और आपको जब इंटरेस्ट पड़ता है, फिर आगे जाके बात बढ़ती है, फिर आप बोलते हो कि मुलाकात करते हैं, चलो ठीक है उसके परिवार से, डायरेक्ट अभी लड़की को मिलाते नहीं है लड़के से, ये हमारा सिस्टम है। पहले परिवार वाले मिलते हैं, पहले परिवार की जानकारी करते हैं, परिवार कौन है, क्या है, लड़का क्या है, क्या करता है, जब उसमें इंटरेस्ट आता है तब आगे जाके हम उसके परिवार को मिलते हैं और डिटेल हम लेते हैं, फिर जाकर के हम उसके इतने कुछ फैमिली में से हम छान पीन के बता, चलो ये पात्र हमारी बेटी के लिए ठीक है, हम उसको बुला लेते हैं, इसको बुला लेते हैं। तो भगवत गीता और भागवत में ऐसा कह सकते हैं कि भगवत गीता एक तरह से कृष्ण का इंट्रोडक्शन है, बायोडाटा है, एक तरह से हमें पता चलता है कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन किस तरह के भगवान है डिटेल में तो भागवत में ही हमें पता चलता है, उनकी लीला के द्वारा। आज करवाइए ठीक है। तो अभी प्रभु जी आपका जो नित्य कार्य होता है, जो बुकलेट से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपसे अभी हरे कृष्ण। हर बार हम यहाँ पे वहाँ प्रसाद हम देते हैं कि ये प्रसाद है, बिल्कुल वेस्ट ना करें, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो देखिए आपके साथ खिला दीजिए या थोड़ा सा वापस दे दीजिए, लास्ट टाइम हमने देखा तो बहुत सारा वेस्ट हुआ है, तो एक रिक्वेस्ट है प्रसाद है तो हम तो वेस्ट ना करें। हरे कृष्ण। और एक काम कर सकते हैं, जो प्रसाद का प्लेट हम रखते हैं वो वाला जो भी बकेट है उसको यहाँ पर रखते हैं, यहाँ दिखा के ही वो बकेट कुछ मिल जाएंगे तो पता चलेगा कि वेस्ट मिल गया, क्योंकि महाप्रसाद है उसको वेस्ट नहीं करते। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा देता हूँ जो आज के प्रोफेशन में। प्रभु जी का नाम बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार हरे कृष्णा हम बोलेंगे सब लोग, तो हम उठाइए सब लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद गुरुदेव की जय। तो ये उज्जैन में आते हैं कभी कभी, उज्जैन में भक्ति से मेरी मुलाकात हुई पहले। तो जब तक महाप्रसाद गुरु अरेंज करते हैं तब तक हम कुछ